मामला गांव जालिफ नगला मिलक का है, जहां धर्मपाल पुत्र रामप्रसाद की भूमि है। उसके बराबर में तालाब स्थित है। रामपाल की काफी भूमि तालाब में कट कर मिल चुकी है, जिससे उनका रकबा काफी कम हो गया है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति पहुंच रही है। तालाब काफी पुराना है। गांव के ही प्रधान अकील अहमद ने एक नाली का निर्माण कराया है। उन्होंने नाले का निर्माण धर्मपाल की निजी जमीन में अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके जबरदस्ती कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। वह नियम विरुद्ध है। कोई भी किसी की निजी जमीन में सरकारी नाले का निर्माण बिना उसकी परमिशन के नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ उन्होंने अपने बल पर, अपने प्रभाव के बल पर जबरदस्ती नाले का निर्माण उनकी जमीन के बीच में करवा दिया है। आपको बताते चले कि उस जमीन में धर्मपाल ने आवासीय प्लाट काट रखे हैं। ऐसे में उन्हें इस नाली के द्वारा काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को शिकायत की थी, अंगूठे लगाकर काफी लोगों के दस्तखत भी किए थे, मगर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रधान उसे कहते हैं कि एसडीएम भी है। एसडीएम भी मैं हूँ, लेखपाल भी मैं हूँ, तहसीलदार भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धर्मपाल कश्यप है जी। कहाँ रहते हैं? जालिफ नंगले। तो आज ये जो आपके भाई हैं, इन्हें बंद कराया है, और प्लाट का क्या मसला है? पूरा क्या मामला है? ये पूरा मामला ये है कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है जी, दादलाई। कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पे? ये लगभग 15-16 बीघा जमीन है। अच्छा अच्छा। ये हमारी जमीन में जी अवैध जबरदस्ती रास्ता निकाल रहे हैं इधर से। कौन निकाल रहा है रास्ता? अकेला मंत प्रधान है यहाँ के। तो आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं वो? कैसा कब्जा कर रहे हैं? आज हमने एक बोला कि ये नाली इधर से मत बनाओ, आपकी जहाँ से सरकारी रास्ता आ रही है वहाँ से आप नाली निकालें। अच्छा, सरकारी रास्ते के पास में? ठीक बात, सरकारी रास्ते के पास में से आप नाली निकालें। हमने इतना बोला, इतने में ही उनने पुलिस बुला के हमें बंद करवा दिया। अच्छा, अब हम अपनी मतलब आपके अनुसार जो है जो नाली निकाली जाती है सरकारी, वो सरकारी रास्ते के बराबर में होनी चाहिए, उसके साथ में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बीच में नाली नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी आपके अनुसार? हाँ हमारे। ठीक है नहीं? हाँ। अच्छा, तो आपकी प्रॉपर्टी में बीच में नाली निकाली गई है दबंगई के बल पे, आपका कहने का मतलब ये है? अच्छा, ये हम है हिंदू ही कम और मुसलमान है ज्यादा। अच्छा, मुसलमान प्रधान है। पक्षपात हो रहा है? पक्षपात हो रहा है। अच्छा। हमें नाजा दबा के जबरदस्ती पक्षपात हो रहा है यहाँ पे। पक्षपात ये हो रहा है। आपका नाम बताइए पहले, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संजीव कश्यप जी। ये जो पक्षपात है ये आप देख लें जी, ये पक्षपात चल रहा है जी। ये है अकील अहमद जी, जो हमसे बोलते हैं कि आप हिंदू हो। अच्छा। और हमें मुस्लिम। अच्छा। कि हमारी जो दबंगी चल रही है। हाँ। वो जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। अच्छा। आपके वोट है 600। अच्छा। और हमारे वोट है 3500। अच्छा। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। अच्छा अच्छा। हम जो है जिला अधिकारी एसडीएम साहब को भी रिपोर्ट देते हैं। अच्छा। थाने में रिपोर्ट देते हैं, तहसीलदार को भी बोलते हैं, लेखपाल साहब को भी बोलते हैं। कोई समाधान नहीं है इस चीज का। अच्छा। समाधान एक ही होता है कि ये कहते हैं आपके से जो करा जाए आप वो कर लें। अच्छा। अकेले मत ये कहते हैं कि हम सब कुछ है, तहसीलदार हमें, एसडीएम साहब हमें, नेकपाल हमें, और यहाँ के जो भी जिला के हैं सब हमें। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, मतलब सारे अधिकारी मैं हूँ। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने? ये बोल के ये रास्ता बना दी नाली। अच्छा। हम ये कहते हैं जो सरकारी रोड है आप पूरा रास्ता आपका है, जैसा चौंप जैसा मर्जी बना लो, हम कोई आपत्ति नहीं, हम तो उनका सहयोग करेंगे। अच्छा। हम तो एक गज और छोड़ दें, एक आध दो फिट और छोड़ दें। अच्छा। आप तो सीधे ले जाओ जी। ये जो नाली, जो गंदा पानी आएगा, इस्लाम नगर का पानी इस नंगले में आएगा, ये किसी को सहयोग नहीं है। आप नंगले से किसी से पूछ लें। रास्ता जो है अकील अहमद का आप सामने देख रहे हैं जी, उनका जो है सामने बिल्कुल जो पेड़ लगा हुआ है जी, ये अकील अहमद के रिश्तेदार का है। अच्छा। रिश्तेदार का, अकील अहमद रिश्तेदार का है। अच्छा। उनसे कहते हैं रास्ता निकालो, ये रास्ता सीधा गया है, उसको नहीं निकाल सकते। अच्छा। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उनका है निजी। अच्छा। अकील अहमद के रिश्तेदार है। अच्छा। वो रास्ता नहीं निकाल सकते। ये हमारी प्राइवेट कॉलोनी हमने काट रखी है जी, ये वाली जी, इसका जो है निर्माण करा रहे हैं जी, क्योंकि हम हिंदू हैं जी, वो मुस्लिम है। अच्छा। हिंदू और मुस्लिम वाला बातचीत चल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपके अनुसार मुस्लिमों का पक्ष लिया जा रहा है, मुस्लिमों का पक्ष, हिंदुओं के संग भेदभाव हो रहा है। हाँ, ये भेदभाव हो रहा है। धमकी दी जा रही है, ये है कि जो नक्शे में जगह दी जा रही है, सीधे एकदम से धमकी दी जा रही है जी, कहीं का किसी को बुलाओ, कहीं से कुछ कराओ। हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ रहते नहीं है। हम बोलते हैं अधिकारी से कि हमारा काम करो अच्छी तरह से, हमारे को हमें निपटा दो, हमें फ्री कीजिए। हम गरीब किसान के बच्चे अपना काम धंधा बाहर जाके कमाएंगे जी, और हमारे को उलझा जा रहा है।
अच्छा। पूरी राजनीति भी खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, घर के घर वाले बंदे को लड़ा रखा है, हर बंदे को यानी डिस्टर्ब कर रखा है बुरी तरीके से। प्रॉपर्टी है, ये निजी रास्ते हैं, जो है नक्शे के हिसाब से चल रहे हो आप, नक्शे के हिसाब से चलो प्रॉपर। आप पहले गलत काम करते हैं, फिर उसको पब्लिक को फिर परेशान करते हैं, क्या मतलब है? और सर नहीं होना चाहिए। आइए सर, आपका काम करो, एक नंबर कीजिए बिल्कुल। आपका काम है, हमें हमारे प्रॉपर्टी है, कम है तो कम दीजिए, ज्यादा है ज्यादा हमें नहीं चाहिए। और हमें आप जहाँ हमारी 600 गज प्रॉपर्टी है, आप हमें 550 दीजिए, ईमानदारी से दिलवा दीजिए, हमारे हाथ जोड़ से कृपा है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम काम धंधे आज हमें सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया है, सुबह से शाम तक ले जाकर बिला फालतू में घूमने आया। कोई एक बंदा कह दे कि ये बंदा गलत था, अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं आ सकते, हम घूम भी नहीं सकते यहाँ, ऐसा हाल हो गया है। अभी आप लोगों ने इसी चक्कर में ये वाली मतलब जो है थाने में घर लिया गया, सुबह से बैठा रखा है। किस मामले में आपको थाने में बैठाया गया? बस घूमने आए थे यहाँ पे, इसका भाई है, गलती है बस। अच्छा, भाई अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, भाई में सब कर रखा है भाई, कोई आदमी आता है अपने काम से तो उसको भी उलझाया जाता है। तो ये पूरा मामला आपने उसके संज्ञान में डाला? डाला है, एप्लीकेशन दिए मैंने, अभी मेरे पास है, थाने में देखा है, हाँ जी सुन ली जाएगी, दूसरे की रिपोर्ट है वो देते हैं तो तुरंत सुनी जाती है, हमारे पास है, हमारे दो दिन की रिपोर्ट हमारी दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जब ये नाली बनाई गई थी तो आपने सूचना दी थी? जो आपने कल एप्लीकेशन सूचना बिल्कुल नहीं दी नाली की, इसकी हम तोज दी जा रही है, हमारे प्लॉट की जो है, हमारे भाई है एक, उनका प्लॉट निकलता है, ये रहा डीलर है, सारी चीज है हमारे पास, हम कोई गलत चीज नहीं, फिर भी नहीं करते हैं लोग। आपका कहना है जी, दो दिन पहले मैंने कोतवाली में तहर दी, उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? नहीं की, बिल्कुल नहीं की। यहाँ के प्रधान, मैं आज गया थाने, गया वहाँ, ऐसे बदमाशी चलती है थाने में, राहुल यादव करके है यहाँ के इंचार्ज, कुछ वो बीट अफसर, वहाँ धक्का मार के ले जाके थाने बंद करा कि बंद कैसे नहीं होगा, राहुल सिपाही ने, राहुल यादव यूँ ले जाके धक्का, जैसे कि पता नहीं वहाँ पे हर चीज वो ऐसे चल रही है कि पूरी तरीका से। ना इंसाफी है ये। अच्छा, ये नाली जो आपके प्लाट में आपकी जमीन में बनाई गई है जबरदस्ती, तो इसकी सूचना आपने शिकायत पुलिस में करी? सर यही आए थे हम कहने के लिए कि भाई ये क्यों बना रहे हो आप, ना निजी अपने रोड जो है सरकारी रोड उसमें निर्माण करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसके लिए हम आए, हमने की ये क्यों करा, इन लोगों को हम लोगों को पुलिस उठा के लेके बंद करा दिया। किसने कराया? प्रधान जी जो है हमारे अकेले में, बहुत अच्छे प्रधान जी है, पक्षपात वाली बात है, उन्होंने बंद करा दिया हमें। अच्छा, तो सर बस वही बात है, ये मुस्लिम और हिंदू वाली बात चल रही है, आदमी कहता है कि कौन प्रधान क्या प्रधान, इनका पक्षपात वाली बात है, 600 वोट वाली बात मैंने पहले बताया, 600 वोट वाली, अगर ये 3500 वोट हमारे होते वो नहीं करा, जो है प्रधान अच्छे है, मगर ये जो निर्माण जो है हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप जितना रोड है आप तो सीधा निकाल लो, जहां से चाहो एक नियम 2 फीट छोड़ दें, एक नहीं 2 फीट छोड़ देंगे, हम ये नहीं कह रहे, आप जैसा चाहें प्रधान जी जाओ आके बैठ बात कर ले, मगर ये जो चीज है नाली बन रही है इसके लिए समाज के लिए बहुत गंदगी है ये, आप नाला, आपको नाला है हमारे पास, नाली में डाल दो पानी, ये गलत है। नक्शे में जगह कहाँ है? नक्शे में जगह ये रोड गया सीधा जी, सीधा गया है, ये नाले में गया है, ये हमारा तालाब था पहले का, 7 मिनट हो गए, ठीक है।